हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करनी हूँ क्लासिक्स का मैथ चैप्टर डेसिमल एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले कि दोनों एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो देख सकता है, सो दैट आपको ये वाली भी जो एक्सरसाइज है कि समझ आ सके। यहाँ से मैंने यहाँ पर नोटबुक पर नोट कर ली है, मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। क्वेश्चन 1 है विच इज़ ग्रेटर। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ग्रेटर, जिसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ से समझाऊँगी। हमारे पास हमें बताना है 0.3 और 0.4 में विच इज़ ग्रेटर। मोस्टली बच्चों के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है इसको फाइंड करना कि हम इनमें से कौन सी पॉइंट्स वाली टर्म में से कौन सा बड़ा होगा। तो इसको हम बहुत ही इजीली मेथड से बच्चों को बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। अगर पॉइंट के बाद 3 है तो हमने 3 को पॉइंट के बाद कैसे लिखा, इस तरह से लिखा 3/10 4, और 0.4 है तो 4/10, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिंगल टर्म है तो नीचे 0 सिंगल आएगा, अगर पॉइंट के बाद 2 टर्म होगी तो नीचे 00 आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये कौन सा बड़ा है, 3 अगर 10 हमारा कट भी जाता है दोनों से तो कौन सा नंबर बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है। तो इस मीन्स हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, 0.3 से 0.4, इस तरह से हमने इनको समझाना है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे अगर पॉइंट के बाद 2 टर्म है तो आपको 2 ज़ीरो लेने हैं, अगर पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो आपको 1 ज़ीरो लेना है नीचे डिनोमिनेटर में। पॉइंट के बाद 2 टर्म है तो यहाँ पर 2 टर्म। अब आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.02, इस तरह। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही इजी है, हमने इसकी कौन सी टर्म देखनी है, ये सिंगल डिजिट है 3 और ये है 0.8। सीधी सी बात है, 3 बड़ा नंबर है, पॉइंट्स वाली टर्म छोटी होती है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। वैसे भी जब हमारे पास अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3.8 होता तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा होता, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल डिजिट 3 है, ये वंस की प्लेस है लेकिन ये टेंथ्स की प्लेस है। तो टेंथ्स की प्लेस कौन सी होती है, डेसिमल्स में पॉइंट्स में होती है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 3 इज़ ग्रेटर देन। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 5 है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 0.5, आगे हम 0 लगा लेते हैं, जब आगे कुछ नहीं हो तो हम 0 लगा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे 0.05, अब ये 0.5050 बना और ये 0.05 बना, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो हम इसको यहाँ पर दिस इज़ ग्रेटर देन 0.50 इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो अब हमारा ई पार्ट है, ई पार्ट में चलेंगे हम। ई पार्ट हमारे पास है 0.052, हम इसको पूरी टर्म, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 टर्म्स है। कभी कभी बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हमें इनको सेम टर्म लानी है, 0.052 और यहाँ पर 0.11 है, तो हम आगे 0 लगा सकते हैं अगर कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पर अब ये 3 टर्म्स हो गई। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में ये 3 टर्म्स तो सेम है, लेकिन पॉइंट के बाद 0 है और पॉइंट के बाद 1 है। पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, तो कौन सी बड़ी होगी, 1 वाली टर्म बड़ी होगी। बहुत ही ईजी है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एफ पार्ट, 2.012 0. अब आप सीधी सी बात है, पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 है और पॉइंट से पहले यहाँ पर 2 है, तो 2.012 और 0.99। आप देख सकते हैं सीधी सी बात है, ये वाली टर्म बड़ी होगी, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सी डिजिट्स के नंबर देखते हैं, वंस डिजिट के नंबर देखते हैं। अगर हमें वंस डिजिट के या टेंथ डिजिट के नंबर नहीं दिए गए हों तो हम पॉइंट्स, दोनों साइड पॉइंट्स के दिए गए हों तो हम पॉइंट्स पे जाकर देखते हैं कि विच इज़ ग्रेटर। अब हमारे पास यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0.89। अगर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0.0 लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट से पहले की टर्म में 0 है और पॉइंट से पहले की टर्म में 1 है, तो विच इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर। अब हमारे पास एच पार्ट आ गया यहाँ पर 1.23। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.23 है और यहाँ पर 1.2, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब ये 23 हो गया और ये 20 हो गया, तो दिस इज़ ग्रेटर, ये हमारा जो है नंबर बड़ा है।
वन भी सेम है, वन सेम है, फिर हम किसको देखें, पॉइंट है, पॉइंट है, टू है, टू है, फिर आगे हमारे पास थर्ड डिजिट आ जाती है थ्री और ज़ीरो, इसमें से कौन बड़ा है, थ्री, तो इसको हमने लिख दिया। अब हम आई पार्ट पे आते हैं। आई पार्ट पे अगर हम अगेन इसको कैसे करेंगे, वैसे ही 0.099 और यहाँ पर आ गया 0.19। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी टर्म है, 1, 2, 3, इसको भी हम 1, 1, 2, 3 कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट पहले ज़ीरो है, ज़ीरो है, पॉइंट पॉइंट, अब ये ज़ीरो है लेकिन ये वन है, तो सी हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और किसको ग्रेटर देन कर देंगे, इस टर्म को ग्रेटर देन कर देंगे। अब हम इस टर्म पे जे पार्ट पे आते हैं। 1.5 है यहाँ पर और यहाँ पर है 1.50। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ये वन और ये वन सेम है, 0.5500, तो बोथ आर इक्वल, दे आर इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.431 है और यहाँ पर है 1.490, विच इज़ ग्रेटर, 1, 1 सेम, 4, 4 सेम, पॉइंट पॉइंट भी सेम है, 3 है और यहाँ पर 9 है, तो दिस इज़ ग्रेटर, इसको हम ग्रेटर देन लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाता है एल पार्ट, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 3.3 और इसको लिखते हैं 3.300। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनको 0, 0 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर भी 0, 0 लगा सकते हैं, तो बोथ आर इक्वल, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, हमने इसको ऐसे लिख देना है। अब हमारे पास आ जाता है 5.64 and 5.603, तो यहाँ पर हम थर्ड टर्म के लिए 0 लगा देते हैं, 5, 5 सेम, 6, 6 सेम, अब यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो दिस इज ग्रेटर, ये बड़ा। अब नेक्स्ट पार्ट एन पार्ट पे आते हैं, 1.008 और यहाँ पर 1.800। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपने, यहाँ पर 1, 1 सेम है, आपने इस तरह से करना है 0 और यहाँ पर 8 है, तो कौन सा बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर, दिस इज। अब यहाँ पर है 1.52 और यहाँ पर है 2.05। आप सिर्फ फर्स्ट टर्म देखेंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट गिवन दी है तो विच इज़ ग्रेटर, दिस टर्म इज़ ग्रेटर। इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो वन है ये पूरा सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर पी पार्ट में दिया गया है, मेक 5 मोर एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देम, हमने इसी तरह की 5 और एग्जांपल्स बतानी है और उनको उनमें से ग्रेटर बताना है, विच वन इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।